अजय जी, यहीं से नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो ग्वार में आज हमने काफी ज्यादा गिरावट आते हुए देखी है। इनफैक्ट हम ये पूरा हफ्ता देख रहे हैं कि जो ग्वार है एक नरमी के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इससे भी पहले जब आपसे बात हुई थी आपने यही कहा था कि ग्वार में अभी जो नरमी है वो जारी रह सकती है, और ठीक वैसा ही हम होते हुए अभी देख भी रहे हैं कि 4-4% की लोअर सर्किट ग्वार गम में और 3% का लोअर सर्किट ग्वार सीड में लगता नजर आ रहा है। अब आपको यहां से क्या लगता है, क्या यहां पे अभी ग्वार में कुछ पोजीशन बनाने के लिए यहां पे अभी और वेट करना चाहिए क्या? देखिए, मेरा व्यू पहले भी न्यूट्रल टू वीक ही था ग्वार में, और हमने पहले भी कहा था कि 5600 का पहला सपोर्ट और 5200 का ओवरऑल लग रहा है कि हमें फेयर प्राइस रहनी चाहिए। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा बहुत भी अगर जंप आता भी है उस जंप पे हमको पिकवाली करके ही चलनी चाहिए। काउंटर वीक है जनवरी मंथ से, 10 जनवरी से हमें लगता है कि गवार सीड गवार गम में एक अच्छी तेजी का माहौल बनेगा जो मार्च अप्रैल तक एक नया ऊंचा हाई बनाता हुआ दिखेगा। लेकिन जनवरी 10 से पहले मुझे लगता है मार्केट में गिरावट ही रहेगी। जो 5200 तक का लेवल गवार सीड में और करीबन 8800 से 9000 का लेवल हम देख पाएंगे गवार गम में, तो ओवरऑल दोनों काउंटर में मुझे लगता है अगले 15-20 दिन महीना भर गिरावट भरा ही सेशन रहेगा, जनवरी से ही तेजी बनेगी। जी अजय जी, जैसे आपने अभी अभी बताया कि ग्वार में जनवरी से ही तेजी बनेगी, तो जनवरी में ऐसा क्या होगा जो ग्वार की कीमतों को तेजी की ओर लेके जाएगा? देखिए, सबसे पहला चीज तो है करेक्शन मोड। जिस ढंग से हमने अगस्त और सितंबर में एक एक बड़ी रैली आते हुए देखी, ये कहीं ना कहीं एक ड्यूबिता के प्रॉफिट बुकिंग आ गई। के बाद डिमांड धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया। राइट नाउ अगर हम देखें तो यूरोप मार्केट लॉकडाउन में जा चुका है ऑलरेडी, और क्रूड में भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। थर्ड है डोमेस्टिक मार्केट में जो फूड इंडस्ट्री है जिसमें ज्यादा यूसेज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऊंचे भाव के चलते हमने देखा टेक्सटाइल के भी जो इंपैक्ट है, टेक्सटाइल से भी जो बाइंग है वो वहां पे थोड़ा ठहराव लेता हुआ दिखाई दिया है। एज ऑफ नाउ मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो टेक्निकली भी एक करेक्शन ड्यू था जनवरी से। मुझे लगता है कि एक तो भाव अगर ये करंट लेवल पे रहते 5000 से 5500 के बीच में या 9,500 के बीच में अगर हम गवार गम की बात करें तो इंडस्ट्री के लिए वाइबल रेट्स रहेंगे, क्योंकि बीच में हमने जो 13,000-14,000 के आसपास भी भाव को जाते हुए देखा वहां पे एक वाइबिलिटी नहीं दिखाई दे रही क्योंकि अल्टरनेट्स मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो आई थिंक जनवरी तक जो हम करेक्शन देख रहे हैं वहां तक अगर मिल जाता है तो प्राइजेस फेयर प्राइस रहेंगे, और पोस्ट पेंडेमिक के बाद फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर और ऑयल इंडस्ट्री के अंदर भी दिखाई देगी। ओवरऑल हमने देखा कि इस बार सोइंग एरिया में भी ड्रॉप आया था, प्रोडक्शन में भी ड्रॉप था, जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट भी मिला था, बट एकाएक सितंबर में जो बड़ा उछाल आया था ये जस्टिफाइड नहीं था, जिसकी वजह से हमारा व्यू नेगेटिव बना। और हमें लगता है कि 5200 लेवल जनवरी तक मिल जाता है तो वो काफी अट्रैक्टिव लेवल हो जाएगा बाइंग के लिए। जी, तो यानी कि अभी जो कुछ महीने हैं ग्वार के लिए ऐसी वीक ट्रेंड वाले देखने को मिल सकते हैं अजय जी के मुताबिक, लेकिन जनवरी से ग्वार में एक बार फिर से तेजी बनती नजर आ सकती है।